हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब गिटार क्लासेस। और आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ बेसिक कॉर्ड्स, आई मीन कि जैसे आप लोग कोई भी कॉर्ड्स है, जैसे जी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, मेजर कॉर्ड्स, जो भी आप लोग को नहीं पता है कि कहाँ प्लेस होती है, कैसे क्या लगता है, तो आज सारा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 बेसिक पैटर्न्स बताता हूँ मेजर कॉर्ड्स के। तो सबसे पहला है सी, फिर डी, ई, जी, फिर ए। सो गाइज, ये एक तरीके से कॉर्ड्स तो हैं ही, जो मैंने अभी बताया आपको, ये ए कॉर्ड थी, ये जी कॉर्ड थी, ये कॉर्ड्स तो हैं ही, पर साथ साथ एक पैटर्न भी है। अगर आप देखो इस तरीके से, ये एक पैटर्न है, ये ए कॉर्ड का पैटर्न है। अगर हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो अभी ये ए कॉर्ड रह जाएगी, ये ए शार्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेजर कॉर्ड्स का पैटर्न देखा। अब मैं आप लोग को माइनर कॉर्ड्स का पैटर्न बताता हूँ। सो गाइज, माइनर कॉर्ड्स में सिर्फ 3 पैटर्न्स होते हैं, ओनली 3 पैटर्न्स। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ई माइनर, ये, ठीक है। फिर उसके बाद डी, डी माइनर, और उसके बाद ए माइनर, ठीक है। तो इसमें भी वही है, ये एक तरीके से पैटर्न कॉर्ड्स तो हैं, जैसे ए माइनर ये कॉर्ड है, ये डी माइनर है, पर अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो डी शार्प माइनर हो जाएगी, ठीक है, या और शिफ्ट कर देंगे तो ये ई हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग सरगम की मदद से इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे किस तरीके से हर कॉर्ड प्ले होती है। तो अगर सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको, इधर सबसे पहले सी आता है, इधर सरगम में सबसे पहले सी, फिर जस्ट बगल वाला नोट इसका सी शार्प, ठीक है, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई का शार्प नहीं होता है, एफ आएगा डायरेक्ट, फिर एफ, एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए, ए शार्प, फिर बी का शार्प नहीं होता है, फिर आएगा वापस से सी। सो गाइज, जब हम लोग इसी से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को सारी कॉर्ड्स प्ले करनी है। तो अगर हम लोग जैसे देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ये सी है, फिर इसके जस्ट बगल में सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अगर जैसे सी कॉर्ड हम लोग प्ले करें, अभी हम लोग मेजर कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, फिर माइनर का देखेंगे। पहले मेजर कॉर्ड्स देखते हैं, हर मेजर कॉर्ड्स किस तरीके से आप निकालोगे, आपको अगर नहीं है बताया कैसे क्या कॉर्ड निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जैसे सी प्ले किया, ठीक है, अब सी के बाद हम लोग इन्हें शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ सी था, इसका शिफ्ट किया तो क्या सी शार्प आया, तो ये कॉर्ड है, इसको एक बार शिफ्ट करेंगे तो आएगा सी शार्प, ठीक है। तो इस तरीके से सी शार्प पता चले आपको किस तरीके से लगेगी। पर अब यहाँ पे केपो भी आपको पुट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, जो भी आप ऐसे लगाओगे उसके जस्ट बगल में केपो पुट करना पड़ेगा आपको। तो अब जैसे सी कॉर्ड है, फिर इसके बगल में सी शार्प, ठीक है, अब यहाँ केपो लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग का आएगा डी, फिर ऐसे ये एक शिफ्ट होगा तो डी शार्प, फिर एक शिफ्ट होगा तो ई, फिर एफ शार्प, जी, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे मेजर कॉर्ड आपको पता चली किस तरीके से निकालते हैं, तो सी से, अब जैसे आपने सी से आप आगे आगे बढ़ बढ़ के कॉर्ड्स निकाले, उस तरीके से ए मेजर, जैसे मैंने आपको 5 अभी बेसिक बताई ना, फिर बेसिक पैटर्न्स, तो उसी से अगर आप जैसे यानी मेजर कॉर्ड लगाओगे ए मेजर, तो ए मेजर को शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, ए शार्प, फिर ये बी मेजर, सब मेजर वाली कॉर्ड जाएंगी क्योंकि आपने मेजर वाला पैटर्न लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर आपने जैसे ए मेजर कॉर्ड है, फिर एक बार शिफ्ट किया तो ए शार्प मेजर, फिर आया बी शार्प मेजर, और आपको यहाँ पे केपो लगाना पड़ेगा, केपो नहीं लगा सकते तो एक फिंगर लगा दोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए के बाद ए शार्प, फिर बी शार्प, बी शार्प नहीं होता, फिर आएगा हम लोग का सी वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे देखो, ये सी कॉर्ड है, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कॉर्ड प्ले कर सकते हो, ठीक है, मेजर वाली। अब मैंने आपको जैसे याली कॉर्ड बताई थी, ये ई, ठीक है, मेजर का ई है, ई है, तो ई को एक बार शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, ई के बाद शिफ्ट करने पे क्या आता है, एफ़ आता है ना, तो एफ़ होगा। अब इसको एक बार शिफ्ट करोगे, पर यहाँ पे केपो लगाना पड़ेगा आपको, नहीं यहाँ पे आपको अपनी बार लगानी पड़ेगी, फिंगर ऐसे करके, या आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एफ़ कॉर्ड है, तो आपको पता ही होगी एफ़ कॉर्ड होती है, ये एफ़ कॉर्ड, ठीक है। फिर एक बार अगर शिफ्ट करोगे तो ये एफ़ शार्प हो जाएगी, फिर एक बार शिफ्ट करोगे तो ये जी हो जाएगी, ये सब मेजर होंगी क्योंकि आपने यहाँ मेजर पैटर्न से आप निकाल लो कॉर्ड्स, तो मेजर आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस, अब इसी तरीके से माइनर कॉर्ड्स का देखते हैं। जैसे माइनर कॉर्ड्स का मैंने आपको बताया, ये पैटर्न है ई, ठीक है, ई माइनर, डी माइनर,
और ए माइनर, तब आपको कोई भी अगर माइनर कॉर्ड निकालनी हो तो किस तरीके से माइनर कॉर्ड आप प्ले करोगे। जैसे अब आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप अगर आपको सी कॉर्ड निकालनी है, ठीक है, अगर सी माइनर निकालनी है, ठीक है, तो अगर आपने ए माइनर पहले पुट करो, ठीक है, फिर ए माइनर को शिफ्ट करो, क्या आया, ए माइनर के बाद आया ए शार्प माइनर, फिर आया बी माइनर, फिर आया सी माइनर, ठीक है। अब सी माइनर निकल गई ना, अब इसको इस तरीके से पुट करोगे, या तो ऐसे पुट कर लो, ठीक है, या तो पूरी ऐसे काम लगा के, ठीक है। जैसे अगर ऐसे पैटर्न लगा रहे हो तो उसको फिर इन तीन से लगाना, ताकि इससे फर्स्ट फिंगर आपकी बार लगाने के काम है, ठीक है। तो अगर जैसे ये हम भी हमने ए माइनर कॉर्ड से निकाले कॉर्ड्स, उस तरीके से आप ई माइनर से निकाल सकते हो। ई माइनर के जस्ट बगल में आएगा एफ, ठीक है, ई का शार्प नहीं होता, तो सीधे जस्ट बगल में एफ आएगा, तो उसको इस तरीके से फर्स्ट फिंगर को आपको यहाँ अपने बार की तरह केपो की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, या आप यहाँ सिर्फ नीचे की टू स्ट्रिंग्स पे लगा सकते हो, ठीक है, या तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी एफ माइनर हो गई। फिर ये आप शिफ्ट करोगे तो एफ शार्प माइनर, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉर्ड्स को आराम से प्ले कर सकते हो। अब जैसे ये डी माइनर है, अब डी माइनर को अगर आप एक बार शिफ्ट करोगे तो आएगा डी शार्प माइनर, फिर ऐसे ही ई माइनर, फिर ई शार्प एफ माइनर, ठीक है, इस तरीके से कॉर्ड्स आएंगी। सो गाइस, इस तरीके से आप कोई भी कॉर्ड्स निकाल सकते हो, कोई भी आप लोग को बेसिक कॉर्ड्स जो होती हैं, जैसे माइनर शार्प वाली मेजर वाली कॉर्ड्स, कोई भी कॉर्ड आप अच्छे से निकाल सकते हो। सो यार, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।